नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भूमि प्रदूषण की, जो स्थलमंडल का भूपृष्ठीय भाग है उसका किस तरीके से प्रदूषण हो रहा है और कैसे हम उसको रोक सकते हैं। इन सब बातों पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हाँ, सभी जैविक समुदायों के लिए मिट्टी का, मृदा का बहुत अधिक महत्व होता है और मिट्टियों को जैविक कारखाना भी कहा जाता है इसी वजह से। तो जब भूमि का अवनयन होता है तो उसकी जो उपादेयता है, उपयोगिता है, वो पौधों और जंतुओं के लिए कम हो जाती है। इसके लिए प्राकृतिक कारक भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मानवीय कारक भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्राकृतिक कारकों में जब जलवायु परिवर्तन होता है या ज्वालामुखी से लावा का प्रवाह होता है, पर्वत बनते हैं, भूमि अवतरण हो जाता है, तो ये सब प्रदूषण का कारण बनते हैं। और मनुष्य जनित जो कार्य हैं, वो खनन कार्य, व्यापक वन विनाश, आवश्यकता से अधिक चराई, भूमंडलीय उष्मन और जिसकी वजह से मरुस्थलों में विस्तार हो रहा है, भूमि उपयोग में व्यापक परिवर्तन आ रहे हैं, नहरों के द्वारा जो गहन सिंचाई हो रही है उन एरियाज़ में भी भूमि का अवनयन हो रहा है, प्रदूषित जल से खेतों की सिंचाई हो जाती है, मृदा प्रदूषण, ये सब कारण हैं। मृदा प्रदूषण भूमि अवनयन का सबसे प्रमुख रूप है। मृदा में ही पौधों के पोषक तत्वों का उत्पादन, संग्रह और अनुरक्षण होता है। इसे ही हम जैविक भट्टी भी कहते हैं। मृदा ही जीव मंडल में ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण के लिए माध्यम का कार्य करती है और पोषक तत्वों के भी चक्रण और पुनर्चक्रण में सहायता देती है। विभिन्न प्रजातियों के जो जीवित जीव हैं, पौधे हैं, जंतु हैं, उनके लिए आवास प्रदान करती है मृदा। आवश्यक पोषक तत्व भी मृदा मंडल से ही पौधों को मिलते हैं। मृदा मंडल में ही जल का भंडारण होता है और वो जल पौधों और मृदा जीवी जंतुओं को उपलब्ध हो पाता है। मृदा प्रदूषण क्या है? प्राकृतिक स्रोतों या मानव जनित स्रोतों या दोनों ही स्रोतों से मिट्टियों की गुणवत्ता में अगर ह्रास होता है तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा की गुणवत्ता में अवनयन के कारण तीव्र ये हो सकते हैं। तीव्र गति से मृदा अपरदन, मिट्टियों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के में कमी, मिट्टियों में नमी का आवश्यकता से अधिक हो जाना या बहुत कम हो जाना, तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव या मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा का कम हो जाना और विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों का मिट्टियों में प्रवेश हो जाए और उनका सांद्रण हो जाए। मृदा प्रदूषण के कारक जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मृदा भौतिक कारक हो सकते हैं, जैविक कारक हो सकते हैं, वायु जनित कारक हो सकते हैं, जीवनाशी हैं, नगरीय और औद्योगिक स्रोत हैं। तो भौतिक स्रोतों में हम वर्षा की मात्रा और तीव्रता, तापमान, हवा, शैली के कारक जो हैं, जो लिथोस्फेयर से संबंधित होते हैं, वानस्पतिक आवरण, मिट्टियों की सामान्य विशेषताएं, ये सब इसमें शामिल होते हैं। जैविक स्रोतों के अंतर्गत मनुष्य द्वारा जो प्रत्यक्त सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि रोगजनक होते हैं, मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। पालतू मवेशियों के द्वारा गोबर आदि के माध्यम से प्रत्यक्त रोगजनक सूक्ष्म जीव हैं। मिट्टियों में मौजूद जो पहले से रोगजनक जीव हैं वो आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब जैविक कारक होते हैं जो मिट्टियों में मानव मल के साथ में प्रवेश कर जाते हैं। वायुजनित कारकों में वायु प्रदूषक जितने भी हमने पढ़े थे वो सब शामिल होते हैं। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक और जैवनाशी जो हैं वो इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल हैं। हम सब जानते हैं कि रासायनिक उर्वरक फसलों के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं, लेकिन इनकी अत्यधिक प्रयोग से मिट्टियों के भौतिक और रासायनिक गुणों में भारी परिवर्तन हो रहा है। कीटनाशी, रोगनाशी, शाकनाशी, ये सभी जो हैं वो मिट्टी के हेल्दी बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता में भारी गिरावट आ जाती है। तो
दिन प्रतिदिन जो हमारी मिट्टियाँ हैं, मृदा है, वो प्रदूषित होती जा रही है और जो विषाक्त पदार्थ हैं वो मिट्टी में ऐड होते जा रहे हैं। तो सोर्सेज जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है उसको डंप कर दिया जाता है सॉइल में, सॉइल के धरातल के ऊपर। माइनिंग जो की जाती है, बड़ी बड़ी खदानें खोद दी जाती हैं, वो भी मेजर कारण बनते हैं मृदा प्रदूषण का। एग्रीकल्चरल जो वेस्ट निकलता है वो भी मिट्टियों का गुणवत्ता में हाश करता है। टॉक्सिक केमिकल, जहरीले रसायन जो हैं वो निरंतर ऐड हो रहे हैं सोयल के अंदर। इसमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं? मिट्टियों के विभिन्न स्रोतों से प्रदूषण के कारण मानव और जैव समुदाय पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है और उसकी उर्वरता घट जाती है, जिससे कृषि उत्पादन में कमी आ जाती है। कभी कभी तो मिट्टियों का प्रदूषण इतना ज़्यादा हो जाता है कि मिट्टियाँ कृषि के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त हो जाती हैं। जैसे रिल या अवनालिका अपरदन के कारण मिट्टियों का इतना अधिक अपरदन हो जाता है कि बीहड़ों का जाल भींच जाता है और समस्त जो भाग है वो उत्खात स्थलाकृति बैड लैंड में बदल जाता है और बंजर भूमि बन जाता है। रासायनिक उर्वरकों और जैवनाशी रसायनों की वजह से रासायनिक प्रदूषक मिट्टियों में पहुंच जाते हैं और आहार श्रृंखला के माध्यम से मनुष्य और जंतुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जिससे अनेक लोगों को और जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में इन जैवनाशी रसायनों के प्रयोग से प्रतिवर्ष 5 लाख व्यक्तियों की मृत्यु होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों, जैवनाशी रसायनों का भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। पंजाब, हरियाणा इसमें टॉप पे हैं इन चीज़ों का यूज करने में। जो लैंड पोल्यूशन है वो जो उसका चारों तरफ का वातावरण है उस पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव डालता है। जो मृदा के जो एनिमल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो मृदा आवास में निवास करते हैं, और जो जलीय जो लाइफ है उनको भी ये नष्ट कर देते हैं। जैसे जैसे हम विकसित होते जा रहे हैं तो वैसे वैसे ये जो मृदा आवास हैं ये ख़त्म होते जा रहे हैं, मृदा आवास में रहने वाले जीव ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस में नहीं रह पाता है और वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसकी वजह से काफ़ी प्रजातियाँ अभी खतरे में हैं। प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं? सेप्टिक टैंक समय बनाने होंगे, जहाँ पे डोमेस्टिक सीवेज जो निकलता है उसको डिस्पोज किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके बाद में उसे आगे फिर स्टोर किया जाएगा। जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स निकलते हैं उन वहाँ भी ट्रीटमेंट की टैंक्स बनाए जाएंगे और जो भी वहाँ से वेस्ट निकलता है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो मॉडर्न डिस्पोजल मेथड्स हैं, विधियाँ हैं डिस्पोज करने की, उनको अप्लाई करना होगा और लैंड यूज जो है, भूमि उपयोग, उसका इंटीग्रेटेड प्लानिंग समय बनानी पड़ेंगी। जैसे फसल चक्र अपनाया जाना है, उचित भूमि उपयोग हमें करना होगा, फसलों का प्रबंधन हमें करना होगा, मिट्टियों की जो विभिन्न प्रदूषक हैं जैसे जहरीले रसायन हैं, हमें इसका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के संगठकों पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसका गहन शोध हमें करना होगा, और रासायनिक उर्वरकों और जैवनाशी रसायनों के समुचित उपयोग के लिए किसानों को शिक्षित करना होगा। DDT पे हालांकि रोक लग चुकी है, लेकिन फिर भी इसके थोड़ा बहुत उपयोग होता है उस पर भी पूर्णतः रोक लगा देनी चाहिए। नगरीय और कारखानों के मल जल का फसलों की सिंचाई के लिए प्रयोग उसके शोधन के बाद ही हमें करना है, अपशिष्ट जल को खेती में काम में नहीं लेना है। जो रासायनिक उर्वरक हैं, जैवनाशी हैं, जो भी कृत्रिम रसायन यूज किए जाते हैं उनका नियंत्रित और विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। मृदा अपरदन को पूर्णतः रोकना होगा, जिसको हम अधिक अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा करके रोक सकते हैं।
तो ये था अपना मृदा प्रदूषण टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।